हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दोस्त सिटी केबल पे मैं आपका गत्रुगन सिन्हा आपका स्वागत करता हूँ। खेला शुरू करते गए भाईल करोड़पति और हमारे साथ खेला खेले के खातिर हॉट सीट पे हैं बॉलीवुड के मशहूर अदाकार ऋतिक रोशन और डायरेक्टर आशुतोष गवारीकर। खेला की मेन एक्सपर्ट है पूजा हेगड़े और फालतू की एक्सपर्ट है रिंकू भाभी। तो खेला शुरू करने से पहले खेल के रूल बता दूं, खेल के बीच में कोई जूते नहीं उतारेगा और हमारे गेस्ट के खेल में हेल्प करने के लिए 8-10 लाइफलाइन है, आपको जरूरत पड़ेगी और मंगा लेंगे। तो खेला शुरू करते हैं। हमारे लिए क्या है? एक बात कान खोल के सुन लो। आओ क्या, और हम सिर थोड़ी खोल के सुनेंगे, क्या है? कान खोल के सुन लो बकवास। अगर हमारे अलावा तुमने बकवास की तो ऐसे ऐसे करूंगा तुम्हारे कान के पास आके। गुदगुदी होगा, नहीं करवाएंगे ऐसे ऐसे, क्यों करवाएंगे? तो पहला सवाल 1,00,000 रुपए के लिए ऋतिक रोशन के लिए, जिन्होंने अभी अभी ताजा ताजा मोहन जोदारो में पूजा को किस किया है। तो पहला सवाल आपसे ये है, किस करने के लिए क्या जरूरी है? इंग्लिश में बता देता हूं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फॉर द चुंबन। आपके ऑप्शन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है, ऑप्शन ए अंधेरा, ऑप्शन बी नियत, ऑप्शन सी मौका, या फिर ऑप्शन डी पॉलिटिकल प्रेशर। ए गत्रुगन, इसमें सही ऑप्शन तो है ही नहीं, तबेला। तेरी भैंस का गोबर। तबेला पूछोगे नहीं, सही ऑप्शन क्यों है? किस लिए है? क्योंकि जो हमारे हस्बैंड है हमको तबेला में बुला के ही किस करते हैं, तो वो ऑप्शन नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? तेरी बहन का भतीजा। हाँ, क्या जवाब? क्या जी, आपको क्या लगता है किस करने के लिए क्या जरूरी, अंधेरा, नियत, मौका या पॉलिटिकल प्रेशर? पॉलिटिकल प्रेशर तो नहीं, डायरेक्टोरियल प्रेशर। बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर। दिस डायरेक्टर प्रेशर, या डायरेक्टोरियल प्रेशर। लेकिन मैं फिर भी अपने एक्सपर्ट की राय लेना चाहूंगा, मिस पूजा। आप बताइए, फिर आपके जवाब के हिसाब से मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है। प्रोड्यूसर प्रेशर, प्रोड्यूसर प्रेशर, इधर डायरेक्टर प्रेशर, ऑल बैलेंस्ड। प्रोड्यूसर प्रेशर। तो इन दोनों के जवाब से ये मुखलात निकलती है कि जवानी का कोई प्रेशर नहीं। अगला सवाल मिस्टर आशुतोष गोवारीकर के लिए, पूरे 5,00,000 रुपए के लिए। हिस्ट्री का सवाल है जी, सोच समझ के बताइएगा जी, कि जो फ्राइडे होता है, फ्राइडे में डे कितना फ्राई होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 किलो, ऑप्शन बी 2 किलो, ऑप्शन सी 3 किलोमीटर, ऑप्शन डी इतना। I think मैं फोनो फ्रेंड लूंगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप फोन यहाँ पे है। फोनो फ्रेंड, आप सिर्फ हमारे फ्रेंड को फोन कर सकते हैं। ओके, बिकॉज हमारे पास 1 सेकंड। पिंटू, कॉल मी बैक। पिंटू, अच्छा पिंटू, पिन 1 कहाँ है? ये सवाल का जवाब पूछना है कि फ्राइडे में डे कितना फ्राई होता है, कहता बेहुदा सवाल, बदतमीज। इस सवाल को यही रफा दफा करते हैं। अगला सवाल पूरे 50,00,000 रुपए के लिए पूजा से। अरे लेकिन ये तो एक्सपर्ट है, इनसे क्यों पूछ रहे हो? लेकिन सुंदर तो है। बोलिए पूजा, आपका सवाल ये है कि इफ दिस इज दिस एंड व्हाट इज दिस, देन व्हाट इज दिस? ऑप्शंस तो दीजिए। मैं आपको हिंदी में समझाना चाहता हूँ, हाँ। अपने दर्शकों को भी, मतलब ये कि अगर वो है और क्या क्या है तो वो क्या है?
Fantastic. ये है क्या है तो ये क्या है? If this is this, then what is this? That this is what is happening? I am also trying to figure out what is happening. No, आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए, this is this. ऑप्शन बी, this is that. ऑप्शन सी, this is it. या फिर ऑप्शन डी, this is. Superb. बहुत ही difficult सवाल है. I think कि I would like to use a lifeline, phone a friend. You can take my number, you can call me. आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. इस सवाल में मैं एक श्लोक पढ़ूंगा और आपको उसका मतलब बताना है. श्लोक है यवनम धननम संपदनम प्रधरतनम. यवनम धननम प्रधरतनम. ये कौन तमीज के बच्चे नहीं, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, कौन पढ़ेगा? आप दोनों से एक सवाल. जी सिद्धू जी, मैं कहां से? किनके हैं इनके, हमारे या आपके? सवाल का जवाब देखिए. ये सवाल है कितने रुपया का? इसका रुपया कोई नहीं मिलेगा, लेकिन देश का मीडिया आपका आभारी रहेगा. अगला सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा. गरम गरम तवे पे बैठने से किस तरह की आवाज आती है? इस ऑप्शन बी आए, ऑप्शन सी उई मा, या ऑप्शन डी आए मैं जल गई. सुपर है यार, चुनना पड़ेगा. मुझे तो सब अच्छे लगे. You're liking our option. I'm liking the way you do it. Lovely. You want me to put my bum on tawa? I want real reaction. My bum will become burger. Sometimes I always laugh on my joke. Is सवाल के जवाब की सत्यता की जांच करेंगे. गरम तवा लेके आ जाए. बैठिए. हम पहले कभी गरम तवा पे बैठे नहीं हैं. हमको एक्सपीरियंस नहीं है. अब जैसा आएगा वैसा आएगा. कोई चक्कर नहीं है. एक्सपर्ट तो हमें ही हैं, क्या करें, हमको बैठना ही होगा. एक्सपर्ट नहीं बैठेगा तो और कौन बैठेगा? जवाब का तो पता नहीं, लेकिन इतना पता चल गया कि बाकी का प्रोग्राम रिंकू भाभी खड़े होके. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.